चांद की ओर, एक सपना जो हकीकत बना। चांद जो हमेशा से इंसान की कल्पनाओं और सपनों का हिस्सा रहा है। चांद, वो चांद जिसको देखकर हम बचपन से लोरी सुनते आए हैं, उसकी चमक और रहस्यमयी सुंदरता ने हमें हमेशा मोहित किया है। सदियों से कवियों ने इसकी खूबसूरती पर कितने ही गीत लिखे हैं। चांदनी रातों में कविताओं और कहानियों का जन्म हुआ है। प्रेमियों ने इसकी चांदनी में अपना प्यार देखा है। चांद की रोशनी में कितनी ही प्रेम कहानियां पनपी हैं। चांद हमेशा से इंसान के लिए कौतूहल का विषय रहा है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने इसे समझने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं, और फिर एक दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने मानवता के सपनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये सपना था जो हकीकत बन गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने साबित किया कि इंसान की इच्छा शक्ति और मेहनत से कुछ भी संभव है। नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने 1969 में चांद पर पहला कदम रखा। उनका यह कदम मानव इतिहास में अमर हो गया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया। इसके बाद अंतरिक्ष में एक नई रेस शुरू हुई। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपनी शक्ति दिखाने की होड़ लग गई। यह एक ऐसा समय था जब अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी आई। कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, अंतरिक्ष स्टेशंस बनाए गए, अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ ये होड़ धीमी पड़ गई। अंतरिक्ष अन्वेषण में नई चुनौतियां और अवसर सामने आने लगे। अब जरूरत है सभी देशों को मिलकर काम करने की। अंतरिक्ष में सहयोग से ही हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ताकि अंतरिक्ष के रहस्यों को समझा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और इंसानियत को फायदा पहुंचाया जा सके। अंतरिक्ष अन्वेषण से हमें नई तकनीकें और ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। मून मिशन 2024, एक नया अध्याय। यह मिशन हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। 2024 एक खास साल है। इस साल की शुरुआत के साथ ही हम एक नई यात्रा पर निकलेंगे। इस साल फिर से दुनिया की नजरें चांद पर होंगी। चांद, जो सदियों से हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रहा है, अब हमारे वैज्ञानिक प्रयासों का केंद्र बनेगा। कई देश चांद पर अपने मिशन्स भेजने की तैयारी में हैं। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। ये मिशन सिर्फ चांद पर जाने के लिए नहीं है, इनका उद्देश्य और भी व्यापक है। इन मिशन्स के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। यह उद्देश्य है चांद की सतह और उसके संसाधनों का गहन अध्ययन करना, चांद पर पानी और खनिज की खोज करना। यह खोज हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होगी। चांद को एक बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल करना, यह बेस कैंप हमें और भी दूर अंतरिक्ष में जाने की क्षमता देगा, ताकि वहां से हम अंतरिक्ष के और भी गहराई में जा सकें। यह मिशन हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत करेगा। मून मिशन 2024 एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये अध्याय होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी का।
विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर इस मिशन को सफल बनाएंगे। ये होगा विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयों को छूने का। यह मिशन हमें नई तकनीकों और नवाचारों की दिशा में प्रेरित करेगा। दुनिया की नजरें चांद पर अलग अलग देशों की तैयारी पर टिकी हुई हैं। हर देश अपने तरीके से इस महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी कर रहा है। चांद पर पहुंचने की रेस में कई देश शामिल हैं। हर देश अपने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन के साथ फिर से चांद पर इंसान को उतारने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य चांद पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। इस बार खास बात यह है कि इस मिशन में एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी होगी, जो अंतरिक्ष में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगी। चीन भी चांद पर अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि वे चांद पर एक स्थायी आधार स्थापित करें। रूस भी चांद पर अपने मिशन्स भेजने की तैयारी में है। वे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। ये सभी देश अपने अपने मिशनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और चांद पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तत्पर हैं। तिरंगा लहराएगा चांद पर। भारत का मून मिशन। भारत भी इस अंतरिक्ष यात्रा में पीछे नहीं है। चांद पर तिरंगा लहराने का सपना देखने वाले भारत ने अंतरिक्ष में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ISRO ने 2008 में चंद्रयान एक मिशन के जरिए दुनिया को दिखा दिया था कि भारत में भी वो क्षमता है जो अंतरिक्ष में इतिहास रच सकती है। अब चंद्रयान 3 के साथ भारत एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। नारी शक्ति की उड़ान, अंतरिक्ष में महिलाओं का योगदान। अंतरिक्ष यात्रा में महिलाओं का योगदान कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1963 में वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थीं। भारत की बेटी कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष में देश का नाम रोशन किया। आज दुनिया भर में कई महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अपने जज्बे, लगन और मेहनत से सबके लिए प्रेरणा बन रही हैं। चांद से आगे की सोच। भविष्य के मिशन्स। चांद पर पहुंचने के बाद इंसान की नजर अब मंगल ग्रह पर है। मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए कई मिशन्स पर काम चल रहा है। नासा 2030 के दशक में मंगल पर इंसान को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर भी मिशन्स भेजे जा रहे हैं। नई खोजें, नई उम्मीदें, विज्ञान और तकनीक की प्रगति। अंतरिक्ष मिशन्स सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ही नहीं देते, बल्कि नई तकनीकों को भी जन्म देते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मेडिकल साइंस जैसे कई क्षेत्रों को अंतरिक्ष मिशन से फायदा हुआ है। नई पीढ़ी के रॉकेट्स, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग जैसी कई नई खोजें अंतरिक्ष अनुसंधान का ही नतीजा हैं। ये तकनीकें न सिर्फ अंतरिक्ष मिशन्स को आसान बनाती हैं, बल्कि हमारे रोज के जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आसमान की सीमा नहीं, प्रेरणा और सीख। अंतरिक्ष मिशन्स हमें ये याद दिलाते हैं कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती। ये हमें सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम ठान लें
तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमें टीम वर्क, लगन और मेहनत का महत्व समझाते हैं। एक साथ, एक मकसद के लिए, मानवता की जीत। अंतरिक्ष अनुसंधान सिर्फ किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का मिशन है। ये हमें एक साथ आगे बढ़ने और अपनी इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाने की प्रेरणा देता है। जब हम सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो हम न सिर्फ अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर कर पाते हैं, बल्कि अपनी इस पृथ्वी और मानवता के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। बेहतर है।